हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री फट्टा। तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना सीख गए थे। फिर आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको पहले वो जानेंगे हम लोग। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो सिंपली हम लोग यही समझ सकते हैं, पावर ऑफ ऑल डिफरेंशियल कोफिशियंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई मस्ट बी वन। मतलब कोई सा भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका पावर अगर वन रहेगा तो उसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, और पावर अगर वन और मोर देन वन रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डेफिनेशन लिखना चाहते तो लिख सकते आप लोग, पावर और ऐसे में आपका एग्जाम में आपका इसका डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो आपको उसको लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए देगा। पावर ऑफ डिग्री ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इट्स कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल मस्ट बी वन। कुछ एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि कैसे हो। डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स वाई, इस तरह कुछ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका पावर क्या है, वन है, जिसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जांपल ले लिए हैं, तो फिर अभी देखेंगे इसका, ठीक है। तो ये वाला के क्या होगा, इसका हम लोग डिग्री देखेंगे, डिग्री क्या है, वन है, तो ये भी हम लोग हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड का बताइए क्या होगा, पावर क्या है, वन है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। फोर्थ वन सेकेंड ऑर्डर है, तो इसका हम लोग इसका डिग्री काउंट करेंगे, डिग्री क्या है, वन है, तो ये हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हम लोग फिफ्थ में देख सकते हैं इसका पावर क्या है, टू है, दैट मीन्स क्या बोला है हम लोग का, अगर डिग्री वन से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या वो हो जाएगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। फिर तो हम लोग कौन सी इक्वेशन होगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि फाइंड करने के लिए देगा आपको, कोई सा इक्वेशन दिया रहेगा और उसको मैं फाइंड करने बोलेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में जानेंगे। शायद आप सब ने सुन रखा होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली वो होता है कोई सा भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करने के लिए एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, इस तरह से डेफिनेशन बनेगा, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ फंक्शन बाय विच एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड in order to make it integrable, ठीक है। बेसिक चीज़ इसका ये होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग किसको बोलेंगे,
मतलब कोई सा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहेगा, उसको हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। एंड इसका फॉर्मूला होता है आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ईट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये याद रखना है, ये हम लोग इससे हम लोग बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यहाँ से बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आई एफ का वैल्यू आपको याद रखना है ईट पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें सब लोग को खुद से बुक से लेना है, बहुत सारा इक्वेशन आपको बुक से मिल जाएगा, और उसमें सब आपको खुद लीनियर और नॉन लीनियर फाइंड करना है। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको फिर आपको आंसर दे दूँगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्या बोलेंगे हम लोग, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू। अगर कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर p एंड q क्या है, फंक्शन ऑफ x, फॉर p एंड q इज द फंक्शन ऑफ x, इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, पता चल गया हम लोग को, अगर कोई सा भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग आज सीखें लीनियर और नॉन लीनियर फाइंड करने के लिए, उसके बाद हम लोग देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखें कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए उसका जनरल सॉल्यूशन, उसका हम लोग पहले डेरिवेशन देखेंगे, देन उसके बाद उसका हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड हमारे चैनल फिजिक्स अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।